नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, जो कल आप लोग को मैंने नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिया था, वीडियो बना दिया था। रेलवे का ये वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, जो कि बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। उसके ऑफिशियल कट ऑफ को हम देखेंगे और यहाँ पे मेरे पास जो कट ऑफ है 2018 का कट ऑफ है और 2020 का कट ऑफ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कट ऑफ है, अभी आप लोगों को पता होगा कि जो एक ग्रेजुएशन के लिए भी पोस्ट आ चुका है, जिसका नाम है ऑपरेशन एंड बीडी, वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ के भी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे कट ऑफ कितना जा सकता है। यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। पहले सबसे पहला जो पोस्ट है मल्टी टास्किंग सिविल फ्रैगमैन का है, और यहाँ पे जो कट ऑफ गया अनरिजर्व कैटेगरी का आप कट ऑफ देखिएगा, 70 नंबर गया हाईएस्ट मार्क्स है, और जो मिनिमम गया मतलब जो कट ऑफ गया वो 50.5 गया है, ठीक है। तो कट ऑफ आप देखिएगा हाईएस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टी टास्किंग ही है इलेक्ट्रिकल हेल्पर, जो कि ITI के लिए चाहिए था, तो ये 64 गया है कट ऑफ यहाँ पर, जो कि बहुत कम देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ अनरिजर्व के लिए मल्टी टास्किंग SNT के लिए, तो 66.5 गया है कट ऑफ है। उसके बाद अगर हम बात करें ये पॉइंटमैन और गेटमैन के लिए 55 यहाँ कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और जनरल के लिए 40% लाना अनिवार्य है, जो कि कट ऑफ जो कि मिनिमम आपको चाहिए। अगर हम बात करें 2020 के कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ देखिएगा 2020 का इन्होंने एग्ज़ाम करवाया था 29/10/2020 को, और यहाँ पे जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कट ऑफ आप देख रहे हैं 78 नंबर यहाँ कट ऑफ गया है, ठीक है। उसके बाद ये कौन से एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ गया, फाइनेंस में, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव का कट ऑफ गया फाइनेंस में। तो ये अपना मान सकते हैं जो ग्रेजुएशन बेसिस पे जो एग्ज़ाम होगा उसका इतना ही कट ऑफ रहने वाला है, 78 के आसपास है, मतलब मान लीजिए कि 80 के आसपास आपको लाना होगा, ठीक है। और हो सकता है इस बार ज़्यादा बच्चे अप्लाई करें तो कट ऑफ थोड़ा हाई भी जा सकता है, आपको 78 दिख रहा है ना, ये कट ऑफ 85-90 भी जा सकता है। लास्ट ईयर का जो भी कट ऑफ होता है उससे कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, कम जाने का कोई भी चांस नहीं है। अब एग्जीक्यूटिव में IT के लिए देखिएगा, IT के लिए देखिएगा 90 नंबर आपको लाना होगा और 90 हाईएस्ट मार्क्स भी है, मतलब एक ही सीट होगा हो सकता है। और देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे और अपीयर कितने हुए देख सकते हैं आप, बहुत कम अपीयर हुए, फिर भी कट ऑफ 90 है। आगे देखिएगा, ये कट ऑफ आप देख रहे हैं ना 120 में से, तो 120 में से 78 गया है, 120 में से 90 गया हुआ है, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव में HR, जो कि MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो ये 66 है नंबर गया है कट ऑफ यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार का अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जो ऑपरेशन एंड BD पोस्ट है उसमें अगर अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपका कट ऑफ जा सकता है लगभग, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको 120 में से 95 नंबर लाने तक का सोचना होगा, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि इस बार ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिला और कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है। तो अभी इस सिचुएशन में कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल सकता है इस एग्ज़ाम में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोग को कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ कमेंट होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।